तो गैस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो ना ही हेयर के ऊपर होगी, ना ही आपकी स्किन के ऊपर होगी, ना ही आपकी बॉडी के ऊपर होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल रात में मुझे एक मैसेज आया जिसे पढ़ के मेरा दिमाग अभी तक घूमा है, और ऐसे मैसेज मुझे पहले भी आए हैं, उनको मैंने समझा भी दिया है। कल जो मैसेज आया उसको भी समझाया मैंने, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं और जो ये करना चाहते हैं। मैं पहले आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। भाई का मैसेज है, मैं नाम नहीं बता सकता इनका, मैसेज ये आप देख सकते हो। ये सब आया कि भाई मेरा हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो मैं अब जीना नहीं चाहता। ये तो गाइस ये सब मैसेज था। आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना आपके हेयर है, ना आपकी स्किन है, ना आपकी बॉडी है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ है, जो एक है, जो आपकी फैमिली के लिए है, आपकी मम्मी पापा के लिए है, आप खुद के लिए है, मम्मी पापा बहन भाई पूरे फैमिली के लिए आपकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हेयर की वजह से, स्किन की वजह से, या छोटी मोटी प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, उससे लड़ने के बगैर आपको ये सब फालतू की चीज़ें सोचना नहीं है। आप ये सब सोचोगे उतना ही स्ट्रेस होगा, और इससे क्या लगता है आपको, आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी या कोई भी हैप्पी रहेगा? नहीं मेरे भाई, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर छोड़ो कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो उसको अपनी फैमिली में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करो, उसको समझो और उसको सही करने की कोशिश करो, ना कि ये छोटी छोटी ये चीज़ों पे ये फालतू की चीज़ें करना। और आपको पहले ही बता दूँ, आपको लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो ना कि आपको हेयर की वजह से सक्सेस मिलेगी, ना ही स्किन की वजह से मिलेगी, ना ही बॉडी की वजह से मिलेगी। आपको मिलेगी आपके टैलेंट की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से, और आप अंदर से कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना अच्छा है, उसकी वजह से आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। मैंने इस भाई को तो बहुत अच्छे से समझा दिया, बट मेरे बहुत सारे भाई हैं या बहुत सारे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा 100% कि हेयर फॉल हो रहा है या लाइफ में छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनका सीधा है कि आप चलो यार ये कर लेते हैं, फालतू के काम नहीं करना। मेरे भाई, आपको छोटी हो प्रॉब्लम या बड़ी हो, उससे लड़ना आना चाहिए। आप एकदम हमेशा तैयार रहो, प्रॉब्लम के आगे खड़े हो जाओ कि हाँ मुझे इसे डट के सामना करना है, ना कि ये ऐसी फालतू की हरकतें। तो आपको मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगा, ये सब चीज़ें माइंड में मत लाओ। सबसे फिर से मैं बोलूँगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, हेयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना हेयर इंपॉर्टेंट है, ना स्किन इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट अगर है भी तो ये लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फ्यूचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ड्रीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फैमिली से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मम्मी पापा बहन भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार वही बोलूँगा, आपकी हार्ट ब्यूटी, आप अंदर से कितना अच्छे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस पे अपना काम करो। बहुत सारे लोग हैं जिनके हेयर नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही नाम कमाए हैं लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े हैं, तो क्या वो ये सोच के बैठते तो उनका तो हो गया था? तो हेयर वगैरह कुछ स्किन टोन वाइट ब्लैक कुछ भी नहीं होता, बस आपका ये सब भ्रम है। मैं आपको इसलिए हेयर के ऊपर या किसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि आपकी प्रॉब्लम बढ़े। तो आपके माइंड में जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी हमारी यूट्यूब फैमिली या बाहर से भी आप देख रहे हो, तो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि बाहर की ब्यूटी कोई भी कुछ भी 0% इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपकी सारी इम्पॉर्टेंस यहाँ से है, आप यहाँ से कितने अच्छे हो, यहाँ से कितने तेज हो और आप कितने मेहनती हो। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आप ये सब चीज़ें छोटी मोटी बड़ी, हेयर स्किन बॉडी या छोटी कोई भी प्रॉब्लम फैमिली की या कुछ भी, ये सब चीज़ों से आप हार मत मानो, उससे सामने डट के लड़ो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे भाई। ना कि आप ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पे फिर फालतू की चीज़ें बोलो कि मुझे नहीं जीना, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई। आप स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, तो आपको ये सब का सामना करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आगे अब आपकी फैमिली है, आपका ड्रीम है, आपका फ्यूचर है, सब कुछ है। तो आज के बाद से जिसका भी माइंड में, जिसके भी माइंड में ये सब फालतू की चीज़ें है, उसको निकालो, मोटिवेट रहो, हेयर स्किन से छोड़ो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपका हेयर, अगर हेयर फॉल हो भी रहा है तो आप उसको स्टॉप करो, नहीं स्टॉप होता छोड़ो, जाने दो। अगर झड़ भी गया बाल, आप गंजे भी हो गए, आज नहीं कल मुझे भी गंजा होना है, आपके अगल बगल जो उनको भी गंजा होना है, लेट सही पर 1-2 साल 3 साल सब गंजे होंगे, तो इससे कोई लेना देना नहीं, हेयर से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी ड्रीम पे काम करो, फोकस करो, आपको क्या करना है जिससे आपकी फैमिली खुश हो, आपके मम्मी पापा खुश हो, प्राउड फील करें, आप खुद प्राउड फील करो। तो आपके माइंड में आज के बाद से ये फालतू की चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि जान दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ।
तो अगर आप अपना भाई मानते हो मुझे, तो मेरी ये बात मानना, और ये फालतू की चीज़ें आज के बाद से कभी DM मत करना और कभी अपने माइंड में भी ना लाना। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मेरे भाई दिल से फिर से बोल रहा हूँ, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी हार्ट ब्यूटी, आप अंदर से कैसे हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप अंदर से अच्छा होना स्टार्ट करो, लाइफ इससे चलेगी ना कि इससे चलेगी, ना इससे चलेगी ना कि इससे चलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट में मैं बस यही बोलूँगा, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का रखो, मम्मी पापा को खुश रखो, बस इतना करना मेरे भाई, और ये सारी चीज़ें मत सोचना आप। बाय।